प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने शराब कांड को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भाजपा के लोग ही शराब बनाएंगे तो लोग मरेंगे ही। साथ ही कहा कि योगी और मोदी में होड़ लगी है कि कौन अधिक झूठ बोल सकता है। सरकार अब हर बार आश्वासन देती है कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं है कि रिपीट हो जाए। अब दोबारा रिपीट हो जाए कहने के बावजूद दसवीं बार हो रहा है, दसवीं बार केंद्र से लेकर प्रदेश तक सरकार केवल मुंह से बोलती है। कानून व्यवस्था नाम की चीज बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, इस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है और केवल मुंह बड़ी बोली बोलते हैं, काम कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर ही दारू बनवाएंगे तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। इस मामले को लेकर विपक्ष में भी कुछ किया जाएगा। अभी सहारनपुर की घटना के पहले कुशीनगर वाला तो उठा था, अब तो बहुत बड़ा मामला हो गया। पहले मैं जा रहे हैं, देखा जाएगा, कल उठेगा, कल परसों का बयान है। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें सपा के नेता पकड़े गए। अगर ठाकुर मतलब भाजपा हो, यादव मतलब सपा हो तो दुगु जी की बुद्धि के बदिहारी है। हर यादव सपा नहीं होता, हर ब्राह्मण वाला ठाकुर भाजपा नहीं होता। मोदी जी और योगी जी में ये बिल्कुल होड़ लगी है कि कौन अधिक झूठ बोल सकता है। ये लोग झूठ का भंडार लेके घूम रहे हैं। दारू बनाने वाला जाति नहीं होता है, वो क्राइम करता है। जो भी बना रहे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी